नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, जो हमारा 2021 और 22 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि CBSE ने इस साल पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इस बार सिलेबस में कोई डिडक्शन नहीं होगा, जैसा कि लास्ट ईयर उसने कर दिया था कोविड के कारण। तो चलिए आप देखते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या क्या इस साल स्टडी करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट होगा वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमें दो चैप्टर की स्टडी करनी है, वो है फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन और सेकेंड है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ से हमें टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा है हमारा अलजेब्रा, यहाँ हमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की स्टडी करनी है, जो हमें 10 मार्क्स एग्ज़ाम में देगा। थर्ड हमारा जो यूनिट है वो है कैलकुलस का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ हमें पढ़नी होगी कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, देन अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ यूनिट को, जो हमारा है वेक्टर एंड 3D। इस वेक्टर और 3D में हमें दो चैप्टर अगेन देखने होंगे, वेक्टर और 3D, जो हमें 14 मार्क्स एग्जाम में देगा। उसके बाद हमें देखने हैं नेक्स्ट यूनिट जो होगा हमारा 5, और यहाँ हमें एक ही चैप्टर देखने हैं, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग का, और यहाँ से हमारे एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमें देखने हैं नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट 6, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी, और फिर से इस यूनिट में हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है जो है प्रोबेबिलिटी का, और ये हमें देता है एग्ज़ाम में 8 मार्क्स। यानी कि अभी सभी यूनिट्स को अगर हम लोग मिला दें तो हमें टोटल मिलता है 80 मार्क्स, और जो बचे हुए 20 मार्क्स है वो हमारा इंटरनल असेसमेंट में होगा। इंटरनल असेसमेंट में हमारा 3 पीरियोडिक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें से जो आपका वेस्ट होगा 2, उसके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे 10 मार्क्स। देन हमारा आता है मैथमेटिक्स एक्टिविटी, यहाँ आपका फिर से डिवाइड होगा पार्ट वाइवा और एक्टिविटी जो हमें स्कूल में दिया जाएगा उसके बेस पे, यानी कि यहाँ पे आपको ऑल मिनिमम 5 एक्टिविटी बनानी होती है ना। तो यहाँ आपका 10 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। देखिए यहाँ पे हमने 100 मार्क्स का तो देख लिया, अब देखना है कि यहाँ पे आपको दो बुक पढ़ने होंगे, बुक 1 और बुक 2, लेकिन हमें जो टोटल चैप्टर पढ़ने हुआ है हमारा 13, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा सिलेबस, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर पैटर्न वो कैसा होता है ना। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न, यानी कि 80 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा वो होगा 18 मार्क्स का, और ये होगा 3 आवर्स के। इस पेपर में आपको दो पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है वो है दो सेक्शन में डिवाइड, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फर्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जो होगा 16 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 1 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 16 मार्क्स यहाँ मिला। और उसके बाद सेक्शन 2 में देखेंगे, सेक्शन 2 में हमें दो केस स्टडी मिलेगा, और ईच केस स्टडी 5 क्वेश्चंस के होंगे, यानी कि 5 मार्क्स के होंगे, है ना। इसमें 5 मार्क्स से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि यहाँ आपको 4 × 2 यानी कि 8 मार्क्स सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में जो है हमारा डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 3 में हमें टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 मार्क्स। यहाँ आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 4 को। इस सेक्शन में हमें टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको 2 में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि इसमें से आप किसको सॉल्व करना चाहते हो और किसको नहीं करना चाहते हो। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 5, यहाँ आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहेगा
कि आप किसी एक को चूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे आपको जो मार्क्स मिलेगा वो है 20 मार्क्स, यहाँ आपको मिलेगा 21 मार्क्स, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 15 मार्क्स। तो इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 56 मार्क्स, और ये हमारा हो जाता है 24 मार्क्स का, तो यहाँ हमें टोटल मिलेगा 80 मार्क्स। तो बच्चों ये है हमारा एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।